हेलो फ्रेंड्स, आपने तो कुंदरू कईयों बार खाया होगा, लेकिन इस तरीके से बनाकर आपने कुंदरू नहीं खाया होगा। बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, और देखने में सुंदर और बनाने में आसान तरीके से बन जाता है। बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन के तैयार होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज इस कुंदरू की रेसिपी को बनाना देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने 500 ग्राम जैसे कुंदरू लिया है, जिसे इसके जो आगे पीछे में डंठल होता है ना छोटा छोटा, देखिए इसे हम नाइफ से इसे कट करके निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सभी कुंदरू के आगे पीछे के हिस्सा को हम छोटा छोटा इसे कट कर लेंगे। देखिए किसी किसी में लंबा रहता है डंठल, उसे हम सभी का निकाल लेंगे। और डंठल निकलने के बाद हम बीच से नाइफ पकड़ेंगे, और नाइफ पकड़ के इसे बीच से कुंदरू को ऐसे हम चीरा लगा लेंगे। देखिए बीच बीच को हम इसमें फाड़ लेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे, इसी तरह से हम सभी कुंदरू को बीच से चीरा लगा लेंगे। देखिए आप चाहे तो इसमें सभी कुंदरू को चीरा लगाने के बाद इसके ऊपर से आप नमक भी छिड़क सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने नहीं डाला है, आप चाहे तो इसके ऊपर से नमक छिड़क सकते हैं। देखिए सभी कुंदरू जो है बीच से कट हो गया है, चीरा लगा लिया है हमने। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें रिफाइंड ऑयल डालूंगी, और ऑयल को अच्छे से हीट होने देना है। उसके बाद इसमें हम आधा चम्मच के जैसे जीरा ऐड करेंगे। जीरा जो है हल्का तड़कना स्टार्ट हो जाएगा, ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम जो कुंदरू काट रखे हैं ना, उसे इसमें हम एक एक करके बारी बारी डालते जाएंगे। देखिए तेल में ऐसे ही, अब इसे हम सभी कुंदरू को ऐसे ही डाल के हम इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए मैंने सभी कुंदरू को डाल दिया है। अब उसके बाद चम्मच से इसे हम अलट पलट के सभी साइड को सेक लेंगे। देखिए कितना मस्त, गैस का फ्लेम हाई रख दीजिएगा फ्रेंड्स, जल्दी सेक जाएगा कुंदरू, और बहुत ही अच्छे से सेक जाता है फ्रेंड्स। हमने कट लगाया है, बीच बीच में चीरा लगाया है, जिसके द्वारा अंदर में भी अच्छे से तेल जो पहुंच जाएगा, और नमक भी छिड़क दिया है, तो ये अच्छे से अंदर सेक जाएगा, अंदर कच्चा नहीं रहेगा फ्रेंड्स। हमें हाई फ्लेम पे इसे चम्मच चलाते रहना है कंटिन्यू, और चम्मच चलाते रहना है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद इसे चम्मच चलाकर हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, तो कुंदरू जो है सभी तरफ नमक और तेल पहुंच जाएगा, सीख जाएगा। देखिए कुंदरू आधा पक गया है, अब इसे चम्मच चलाते रहना है। जैसे हल्का इसमें ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, सिकुड़न स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर से इसकी ऊपरी परत जो है, देखिए आप देख पा रहे हैं कितना मस्त सुनहरा कलर में आ गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे फ्रेंड्स। देखिए अब इसे एक प्लेट में निकालने के बाद हम इसे रख देंगे। देखिए फ्रेंड्स कितना मस्त टेस्टी रेसिपी है बन के तैयार होगा। मेरी यह वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नीचे लाइक का बटन है उसे। देखिए उसके बाद हम सभी कुंदरू को बारी बारी से एक प्लेट में निकाल के रखेंगे, और उसके बाद उसी तेल जिसमें तेल बचा है ना, उसी तेल में हम इसे इसमें एक तड़का देंगे प्याज का। जीरा तो हमने पहले से डाल दिया है और डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने प्याज डाला है एक स्लाइस में कटा हुआ, और 3 से 4 हरी मिर्च को डालेंगे, और दोनों को अच्छे से हम फिर से पका लेंगे, ब्राउन होते तक भून लेंगे। जैसे प्याज और मिर्च ब्राउन हो जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें 2 से 3 मैंने टमाटर काट लिया था उसे इसमें ऐड कर देंगे, और चम्मच चलाते हुए टमाटर को हम गलने के लिए छोड़ देंगे।
आप चाहे तो इसमें तुरंत ही नमक डाल सकते हैं। मैंने थोड़ी देर में नमक डाला है। आप देखते रहिएगा वीडियो को। कुंदरू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी फ्रेंड्स। देखिए टमाटर को ऐसे ही चम्मच चलाते रहना है, जल्दी गल जाएगा। उसके बाद इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट थोड़ी देर के बाद इसमें हम नमक डाल देंगे, और नमक को डालने के बाद फिर से चम्मच को रिटर्न चम्मच चलाएंगे। नमक जो है सभी तरफ टमाटर भी मिल जाएगा और जल्दी से कुक हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसमें आधा चम्मच के जैसे हल्दी पाउडर डालेंगे, और आधा चम्मच मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब सभी मसालों को हम एक साथ चम्मच चलाकर मिक्स करेंगे। कंटिन्यू चम्मच चलाते रहिएगा तो जल्दी टमाटर जो है पक जाएगा। देखिए चम्मच से इसे हमें दबा दबा कर टमाटर को अच्छे से पका लेना है। देखिए सभी तक टमाटर अच्छे से पक गया है और तेल जो है ऊपर आ गया है। अब जब भी ग्रेवी बनाए तो आपको अंदाज होना चाहिए फ्रेंड्स, ग्रेवी पक के तैयार कब होता है, जब तेल जो है ऊपर आने लग जाता है। देखिए हमारा ग्रेवी जो है पक गया है। अब उसके बाद जो हमने धनिया काट के रखे थे ना एक मुट्ठी भर धनिया पत्ती, उसे इसमें डाल देंगे। और जो कुंदरू को तल के प्लेट में निकाल के रखे थे उसे इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। ग्रेवी में डालने के बाद इसे हम चम्मच चलाएंगे और सभी तरफ इसे मिक्स कर देंगे, और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। कुंदरू में जो मसाला है ना ग्रेवी सब अच्छी तरह से इसके अंदर में चीड़ा लगाए हैं उसके अंदर में पहुंच जाएगा। इसे 5 मिनट के लिए हम कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए इसे पका लेंगे। देखिए कितना मस्त कुंदरू का सब्जी बनके तैयार होगा फ्रेंड्स। इसे आप रोटी चावल किसी भी सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना मस्त बन गया है, बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। आपने तो कईयों बार कुंदरू की सब्जी खाया होगा, लेकिन इस तरह से आप एक बार बना के तो देखिए, खाने वाले तो तारीफ करेंगे ही, देखने वाले भी पूछेंगे कि कैसे बनाया। देखिए कितना मस्त कुंदरू की सब्जी बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।